हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया मामला समझने वाले हैं DFD लेवल्स का, कि भैया ये जो डेटा फ्लो डायग्राम्स हैं इसमें विविध अलग अलग प्रकार के जो लेवल्स हैं वो उपस्थित हैं, आखिरकार इसका कारण क्या है, ये कैसे दिखते हैं, इनकी एक बेसिक आइडिया बेसिक इंट्यूशन आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश करने वाला हूँ। प्योर विजुअलाइजेशन आपके सामने मैंने रखा हुआ है, इसी के जरिए सारी चीजें आप तक पहुंचाऊंगा। जितने भी सवाल ऐसे आपके दिमाग में होंगे उनके उत्तर जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से देने की जो है कोशिश करने वाला हूं। तो भैया चलो शुरू करते हैं और जानते हैं भैया ये लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 जो भी हम देखने वाले हैं ये लेवलिंग की क्या जरूरत है भाई साहब, व्हाट्स द नीड। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है, अब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो लेट्स से 40+ सब्जेक्ट्स तो होते ही अपने को थ्रू आउट द इंजीनियरिंग, 4 साल में तो 40+ सब्जेक्ट्स होते हैं, लेट्स कंसिडर 40 सब्जेक्ट्स आर देयर, ठीक है। अब ये जो 40 सब्जेक्ट्स हैं अगर मैं इसको एक साथ आपके सामने रख दूं, आपके सिलेबस में डाल दूं और एक एग्जाम रखूं, उसे एक एग्जाम में आपको ये 40 सब्जेक्ट्स पार करने हैं, विल इट बी पॉसिबल फॉर यू? पॉसिबल होगा? आप क्या करोगे, कुछ छोड़ दोगे, बराबर कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ दोगे? भैया इतना नहीं होगा अपने से, एक एग्जाम में भैया ये 40 के 40 सब्जेक्ट निकालना ये इतनी आसान बात नहीं है। उसी तरीके से ये भी है भैया, एक जो सिस्टम होता है आपका, एक सिस्टम को एक इकलौते सिंगल DFD में दिखाना मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है यार, आपको कुछ ना कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अगर आप मान लो सब पकड़ भी लो तो भी जो DFD आपके सामने आके तैयार होगा इट वुड बी रियली टू कॉम्प्लेक्स टू एनालाइज, समझना मुश्किल हो जाएगा भैया, जैसे कि एक इंजीनियर के लिए भी समझना मुश्किल हो जाएगा कि मैं क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, इट वुड बी रियली कॉम्प्लेक्स थिंग। तो इसीलिए हम क्या करते हैं भैया, लेवल्स बनाते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो उन लेवल्स के हिसाब से हम लोग जो है अपनी स्पेसिफिसिटी बढ़ाते हैं। मतलब क्या, फर्स्ट ईयर में जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हर एक ब्रांच के लिए आपको मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओके, ऐसे ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर आपके ब्रांच के हिसाब से सेकंड ईयर में थोड़े कोर सब्जेक्ट्स आते हैं, बराबर है, फिर थर्ड ईयर में थोड़े और स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स आते हैं, फोर्थ ईयर तक तो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड आप हो चुके होते हो। तो इस तरीके से जो है आपका जो एक हायरार्की है वो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक इसी प्रकार से जैसा हायरार्की आपको DFD में भी अलग अलग लेवल की देखने को मिल जाएगी। सिंपल सी बात है, इस रिलेटिव एग्जांपल के साथ आई थिंक सो आप अब ज्यादा DFD के साथ रिलेट कर पाओगे, क्योंकि ठीक यही चीज यहां पे भी हो रही है। पहले एक जनरल फंडा दिखा दिया फर्स्ट ईयर में, तो जो लेवल जीरो है उसमें आपको ज्यादा कुछ डिटेलिंग देखने को नहीं मिलेगी, बस एक ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा जहां पे आप देख सकते हो E1 E2 जो आपकी एक्सटर्नल एंटिटीज है, मान लो यहां पे दो एक्सटर्नल एंटिटीज है और यहां बीच में सिस्टम दिखा दिया है, एक प्रोसेस के नाम पे यहाँ पे आपको सिस्टम दिखा दिया जाएगा कि भाई साहब ये आपका सिस्टम है। अब ये सिस्टम कुछ भी हो सकता है, ओके, इट कैन बी अ फूड डिलीवरी सिस्टम, इट कैन बी अ ट्रैकिंग सिस्टम, इट कैन बी अ लॉगिन सिस्टम, इट कैन बी रजिस्ट्रेशन, एनीथिंग, इट कैन बी एग्जाम मॉनिटरिंग सिस्टम, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स के ऊपर आप DFD बना सकते हो। तो ऐसा कोई भी यहाँ पे एक सिस्टम जो है वो एक सर्कल में दिखाई दे जाता है और ये जो इंटरेक्शन है इस तरीके से आपके जो यूजर्स हैं उनके साथ वो इंटरेक्शन डेटा फ्लो एरोस के जरिए, बाणों के जरिए, तीरों के जरिए दिखाया जाता है। तो दिस इज लाइक फर्स्ट ईयर जहां पे जनरल चीजें, बड़ी मजे वाली चीजें चल रही, कोई स्पेसिफिक बात अभी तक की नहीं जा रही है, ज्यादा डिटेल में आपके ब्रांच के रिगार्डिंग डिटेल में बात नहीं की जा रही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आप सेकंड ईयर में। सेकेंड ईयर मतलब क्या कि आप भैया लेवल 1 में आ गए। अब होता क्या है इसमें कि ये जो रिस्पेक्टिव प्रोसेस है इसके थोड़ा डिटेल में आप चाहते हो, मतलब ये तो सिस्टम आपने बता दिया लेकिन भाई साहब इस सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस भी तो होंगी जिनके कलेक्टिव एफर्ट से आपका आउटपुट या फिर जो टास्क है वो अकम्प्लिश हो रहा होगा, जो फंक्शनलिटी वो पूरी हो रही होगी, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो रहा होगा। तो यहां पे वही मैंने दिखाया कि यहां E1 E2 तो वही है जो हमारे जो यूजर्स थे या फिर जो हमारी एंटिटीज थी वो तो वही है। यहां पे आप देख सकते हो भैया ये पहली प्रोसेस 1, फिर प्रोसेस 2, फिर प्रोसेस 3, ये प्रोसेस जो है आपके D1 मतलब आपका जो डेटा स्टोर जिसको अपन ऐसे पैरेलल लाइन के थ्रू दिखाते हैं या ओपन रेक्टेंगल भी जिसको अपन बोलते हैं। तो इस तरीके से जो इंटरेक्शन है आपके प्रोसेसेस का, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर आपको इसमें एक लेवल और डिटेल में जाना है तो आप क्या कर सकते हो, डीएफडी लेवल 1 से डीएफडी लेवल 2 पे आप चले जाते हो। लेवल 2 पे जब आप जाते हो तो यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर अ प्रोसेस, कि ये प्रोसेस जो है इसका इंटरेक्शन बाकी एंटिटीज के साथ किस तरीके से हो रहा है, बराबर है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर एक्चुअली गोइंग ऑन। जैसे 1 मैंने बोला तो उसका 1.1 ये आपको देखने को मिल जाएगा, दैट मीन सबसे पहले उस प्रोसेस में जो एक सब प्रोसेस मौजूद है वो है 1.1, उसके बाद जो सब प्रोसेस एक्टिवेट होती है वो है 1.2, फिर यहाँ 1.3 भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे D1 के साथ इंटरेक्शन भी देखने को मिलेगा जो आपके यूजर्स हैं, बराबर, जो आपकी एंटिटीज, एक्सटर्नल एंटिटीज, जो टर्मिनेटर्स हैं उनके साथ भी आपको इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप और भी डिटेल में आपके सिस्टम को दिखाने के लिए, उसके डेटा फ्लो को दिखाने के लिए और भी डिटेल्स
में अलग अलग लेवल में आप जा सकते हो। एंड इस तरीके से ये सारा मामला जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, आपके सामने आ रहा है, और डीएफडी जो है वो अपना मतलब आपको बता रहा है कि इस तरीके से अगर चलोगे तो सही रहोगे, सही सलामत इंजीनियरिंग भी पास कर जाओगे, ज्यादा लोड आएगा नहीं, और सब कुछ अच्छी तरीके से समझ भी पाओगे। ये सिंपल सा फंडा है दोस्तों। अब तो मैंने एक आपको जनरल इंट्यूशन, जनरल आइडिया बिहाइंड डीएफडी मैंने बड़ी आसान तरीके से विजुअलाइजेशन के थ्रू इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। अगले वीडियो में एक डिटेल्ड एग्जांपल के साथ अपन ये सारी लेवल्स को समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, और दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज, यार रिक्वेस्ट है। एंड थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।